हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका लॉजिकल एडुकेटर गौतम वर्मा आप सभी का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग इस सेशन में ये जानते हैं कि साइको टेस्ट जो अब CBAT का एग्जाम जो आने वाला है 30 जुलाई से जो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, उसके लिए कैसे कैसे किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस एग्जामिनर लेकर आएगा और किस तरीके से हमें उस पर अपनी एक सही रणनीति बना के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्या दिशा हमारी होनी चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना है और कितना प्रैक्टिस करना है, किस पर हम पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं, जो टाइम दिया गया है उसमें हम पूरे क्वेश्चन कर सकते हैं, कहां पर हमें क्वेश्चनों में सावधानी बरतनी है, किन किन चीजों का बारीकियों से ध्यान रखकर हमें एग्जाम देने जाना है। तो देखो, सबसे पहली बात, मैं हमेशा अपनी सारी क्लासेस में 3 शब्दों पर बहुत बात करता हूं। आपके सामने पहला शब्द दिख रहा होगा स्पीड, दूसरा दिख रहा है एक्यूरेसी और तीसरा दिख रहा है मैनेजमेंट। और इन तीनों शब्दों को अगर आप मिला ले तो आज इस साइको टेस्ट के लिए इन तीनों शब्दों का बहुत ही महत्व आपको समझ में आ रहा होगा। आप सभी लोग जो बच्चे मेरे साथ लाइव हैं या जो ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उन सभी लोगों को इन 3 शब्दों का महत्व इस साइको टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं पर स्पीड में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर आपकी एक्यूरेसी बहुत बेस्ट होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि अगर आपकी एक्यूरेसी तभी अच्छी मानी जाएगी जब आपका उसमें क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। तो ये 3 शब्दों का जो खेल है ना, ये साइको टेस्ट के ऊपर पूरी तरीके से बच्चे सेट बैठ रहा है, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम आज इस सेशन में ये जानेंगे, ये देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि साइको टेस्ट के जो सेगमेंट होंगे, जो डिफरेंट टाइप के हमारे पेपर आएंगे, उसमें किस किस पैटर्न से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि आपको यहां पर विजिबल है, ये बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, हम साइको टेस्ट में बात करने जा रहे हैं रूट टेस्ट की। रूट टेस्ट क्या होता है, ये आपके साइको टेस्ट का एक ऐसा पार्ट है जहां पर आपको टोटल 40 क्वेश्चन मिलेंगे और सॉल्व करने के लिए आपको दिख रहा है कि गिवन टाइम कितना है, 8 मिनट है। तो 40 क्वेश्चन 8 मिनट का मतलब आप समझ रहे हो कि हमारी स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट कितनी शानदार होकर अगर एग्जाम में हम लेकर जाएंगे, उतना ही शानदार हम इस पे अटेम्प्ट ले पाएंगे। अभी हम क्वेश्चन भी इस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और कैसे हमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है और किन किन चीजों पर हमें बहुत विशेष ध्यान रखना है, आज हम लोग इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे, 40 मिलेंगे, और टोटल मिनट कितना मिलेगा, 8 मिनट मिलेगा बेटा। 8 मिनट का मतलब आप अच्छी तरीके से समझ रहे हो, 8 मिनट अगर आपके पास है तो इसका मतलब धुआंधार प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हुआ तो इसका मतलब समझिए आप क्वेश्चन डेफिनेटली 100% मान के चलिए गलत करके आएंगे। और कई बच्चे, अब ये लास्ट एग्जाम है साइको टेस्ट का, तो कई बच्चे इसमें अपनी बढ़त बनाने के लिए, अपने आप को आगे दिखाने के लिए एक कॉन्सेंट्रेशन वाला प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए, ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट नहीं है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को ऑनलाइन टेस्ट तो इसका देना ही देना है, वो अभी से आप अपने अभ्यास में रख लीजिए और रेगुलर कम से कम प्रतिदिन आप इसके कम से कम 4 से 5 सेट लगाओ। बच्चे जितना लगा सकते हो यार, जितना मेहनत इस समय कर सकते हो उतनी मेहनत करो, ठीक है, तब जाके कहीं आप श्योर हो सकते हो कि हम इसमें 90+ नंबर लेकर आ सकते हैं। भाई ये 40 क्वेश्चन का जो डिवीजन है वो एग्जामिनर 4 सेट में करेगा, पहले सेट, दूसरे सेट, तीसरे सेट और चौथे सेट में, और हर सेट में आपको 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन, एक सेट 10 क्वेश्चन, मतलब ये एक पार्ट है, इस पार्ट में एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट को 4 अलग-अलग सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, मतलब जैसे ब्रांच होता है ना, ये हो गया एक पार्ट और इसके अंतर्गत एक पार्ट ये हो गया और इस पार्ट के अंदर भी 4 पार्ट आपके रखे गए हैं। तो रूट टेस्ट आप इसको मानिए, साइको टेस्ट आपका ये हो गया और रूट टेस्ट के अंतर्गत आपके कितने सेगमेंट आएंगे, 4 सेगमेंट आएंगे, चारों सेगमेंट एक ही जैसे होते हैं, मतलब चारों क्वेश्चन का पैटर्न एक ही जैसा होता है, बस आपको वहां पर क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। एक सेगमेंट पर हम एवरेज मान के चलते हैं कि हमें 2 मिनट का समय मिलेगा, अगर एक सेगमेंट को 2 मिनट में सॉल्व करना है तो डेफिनेटली आप देख लो 10 क्वेश्चन 2 मिनट का, मतलब हमारी स्पीड बहुत ही शानदार अगर होगी तभी हम कर पाएंगे, हमारा कॉन्सेंट्रेशन जबरदस्त होगा तभी हम कर पाएंगे। सर कैसे क्वेश्चन आते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं और अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बेसिक सा हम देखेंगे। देखो सबसे पहली बात, क्वेश्चन आपके सामने ऐसे दिखाई देंगे, आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, दिस इज कॉल्ड द रूट टेस्ट, इसको हम कहते हैं रूट टेस्ट, या आप
इसको स्क्रीनिंग टेस्ट भी कई जगह पे कहा जाता है, ठीक है। यहां पर आपको बेसिक सी नॉलेज, अगर मैं यहां पर बेसिक की बात करूं ना, तो बेसिक नॉलेज आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। अगर मैं मात्र बेसिक की बात करूं, मतलब जो बच्चा, मान लो जो स्टूडेंट पहली बार इस एग्जाम को देने जा रहा है, उसे क्या क्या चीजें समझ में आनी चाहिए। यह आपको एक मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी से लेकर एक्स वाई जेड तक के अल्फाबेट लिखे हुए हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बेसिक सा समझा रहा हूं, उसके बाद हम लोग इस पर ट्रिक देखेंगे क्वेश्चन कैसे लगाना है, ठीक है, एग्जामिनर क्या पूछेगा और हम आंसर क्या देंगे। तो इस तरीके के पहले बात देखो, ये सेक्शन वन है। इस तरीके के आपके पास कितने सेक्शन आएंगे, चार सेक्शन आएंगे। ये पहला सेक्शन है, ऐसा ही दूसरा सेक्शन होगा, ऐसा ही तीसरा सेक्शन होगा और ऐसा ही चौथा सेक्शन होगा। चार सेक्शन, 40 क्वेश्चन और मिनट कितने, 8 मिनट। अपने दिमाग में इस चीज को एडजस्ट कर लो बाबू कि चार सेट 40 क्वेश्चन, 8 मिनट, एक सेट में 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन को लगाने के लिए जो डिसाइडेड टाइम है वो कितना है, 2 मिनट। ये एकदम डिसाइड कर लो बेटा, अगर ये डिसाइड करके एग्जाम में जा रहा हो ना तो बहुत फायदेमंद है। अब देखो इसमें जो बच्चा पहली बार है उसको समझने वाली चीजें क्या क्या है। ये तो सर हो गया अल्फाबेट, सर इसका मतलब क्या होता है, जो सर्कल यहां पर बना हुआ है। कई जगह पर आप देखोगे कि सर्कल यहां पर बना रहेगा, कई जगह पे सर्कल आपको ऐसे भी दिखाई देगा, मतलब लाइन के ऊपर नीचे भी सर्कल दिखाई देगा और लाइन के बीच में भी सर्कल आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले सर्कल की बात मैं करूं तो सर्कल मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना, यानी रूट पे किसी तरीके का कोई बाधा उत्पन्न करना, यानी ये आरआरबी का एग्जाम है तो ट्रेन चल रही है, ट्रेन के बीच में अगर किसी तरीके की कोई बाधा दिखाई देगी तो दैट इज कॉल्ड द सर्कल। वो सर्कल उसको क्या करता है, बाधित करता है, मतलब ट्रेन वहां से आगे नहीं जा सकती है। मतलब अगर आप ये कह दे कोई कि यहां से ट्रेन लेकर, इस ए वाले पॉइंट से ट्रेन लेकर सी तक जाओ, तो आप ऐसे नहीं चल सकते हो बेटा। क्यों नहीं चल सकते हो, क्योंकि बीच में क्या आ गया है, सर्कल आ गया है। तो अब आपको अपना रूट चेंज करके इधर आना पड़ेगा और इस तरफ से इस तरफ जाकर फिर सी तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस वाले रूट में आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी सर्कल नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप इधर से चलने का प्रयास करोगे, अगर आप इधर से चलने का प्रयास करोगे डायरेक्टली ए से सी तक का, तो आपको बीच में एक सर्कल मिल रहा है और इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, एक तरीके का बैरियर कह लीजिए, एक तरीके का स्टॉपेज कह लीजिए, या एक तरीके का कोई अवरोध उत्पन्न वाली चीजें कह लीजिए, या फाइनली आप ये कह सकते हैं कि इधर से ट्रेन का रास्ता नहीं गुजर सकता है। और ये आपसे जब एग्जाम में पूछेगा तो आप स्टूडेंट को ये बात पता होनी चाहिए कि सर्कल का ये मतलब होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सर ये क्या होता है, अब जितने भी सर्कल लगे हैं, देखो यहां पर भी सर्कल लगा है, यहां पर भी सर्कल लगा है, यहां पर भी सर्कल लगा है, ठीक है, यहां पर भी सर्कल लगा है, यहां पर भी सर्कल लगा है, यहां पर भी सर्कल लगा है। और अगर मैं इस 10 की बात करूं तो सर ये जो ये बॉक्स में स्क्वायर में 10 रखा है, इसका सेंस क्या है। 10 का सेंस ये है कि अगर आप कहीं से कहीं तक जाते हो, मान लीजिए कि मैं इस तरीके से कोई रास्ते पे चल रहा हूं, सीधा सीधा चल रहा हूं, अगर मुझे यहां पर बीच में सर्कल मिल गया तो इसका मतलब यह है कि मैं आगे नहीं जा सकता हूं, आगे नहीं चल सकता हूं, मतलब मुझे अपना रास्ता यहीं पर रोकना पड़ेगा। और अगर मुझे चलते चलते रास्ते में कहीं पर इस तरीके की चीज दिखाई देती है तो इसका मतलब यह कहलाता है हाउस, इसको हम कहते हैं, मतलब इस रास्ते पे गुजरने पर हमें स्क्वायर वाला जो दिखाई देता है वो हाउस है, उसमें एक नंबर लिखा रहता है और यही पूरे आपके रूट टेस्ट एग्जाम की जड़ है और यहीं से आपको उठा के क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन देगा एग्जामिनर और उसको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए मैं पहला क्वेश्चन लेके चलता हूं, मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके चलता हूं, बेसिक बस इतना ही है बेटा, ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन लगाओगे तो समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है कि हमें Q से कहां तक जाना है, V तक जाना है, Q से कहां तक जाना है, V तक जाना है। तो सबसे पहले अल्फाबेट की वैल्यू तो आपको याद होगी ही, हालांकि उसका कोई बहुत यूज नहीं है, लेकिन फटाफट निगाहों में समा लो कि 1 से लेके 8 तक यहां है, 8 से लेके 14 तक यहाँ है, 14 से लेके 21 तक यहाँ है और 21 से लेके 26 तक यहाँ है। मतलब हमें कहाँ आना है, 17 से 22 तक आना है, तो 17 हमें कहाँ मिलेगा, 17 ये मिलेगा, और 22 हमें कहाँ मिलेगा, 22 हमें ये मिल रहा है, 17 हमें कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, और 22 हमें कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो 17 से 22 तक आने में नियरेस्ट कौन सा हमारा पर यहाँ पर स्क्वायर पड़ेगा, यानी कौन सा घर हमारा नियरेस्ट पड़ेगा। देखो अब ये होता है कि Q से लेकर V तक अगर हमें चलना है, इस पॉइंट से लेकर अगर हमें इस पॉइंट तक चलना है, तो हमारे चलने के रास्ते क्या क्या हैं। देखो सिंपल सी बात है, हम ऊपर की तरफ नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं सर, क्योंकि ये क्या है, एक स्टॉपेज है, ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है, और
अकॉर्डिंग टू द रूट टेस्ट जो सर्कल अगर मिल गया तो हम उसके आगे नहीं बढ़ सकते, इसका मतलब अब हमें रास्ता अपना यहां से ना जा सकते हैं, तो हम यहां से चेक करेंगे। अगर हम इधर से चलते हैं, मान लो ये चलते हैं, ये चलते हैं, और हमें आना कहां तक था, वी तक आना था, हमें कहां तक आना था, वी तक आना था। तो एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे जल्दी से आप बताइए, कमेंट करके जल्दी से मुझे बताइए कि आप यहां से यहां तक आए हो तो आपको नियरेस्ट कौन सा स्क्वायर दिख रहा है और उसमें कौन सा नंबर लिखा है, जल्दी से बताइए कौन सा नंबर दिख रहा है वो आपको दिखाई। तो आप कहोगे सर एक सिक्स नंबर हमको यहां पर दिख रहा है, एक सिक्स नंबर दिख रहा है, क्या कोई और रास्ता हो सकता है, क्या कोई और रास्ता हो सकता है क्यू से वी तक आने में? तो क्यू से वी तक देखो सिंपल सी बात है, आप इधर आ नहीं सकते क्योंकि यहां पर भी स्टॉपेज लगा हुआ है, यस और नो, यहां तक आप नहीं आ सकते हो। अच्छा, अब इसके आगे अगर हम नहीं बढ़ सकते हैं, इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते तो हमारे पास चलने का यही रास्ता है, और चलने का यही रास्ता है तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्यू से वी तक आने में हमारे पास जो नियरेस्ट हाउस पड़ेगा वो कौन सा हाउस पड़ना चाहिए, सिक्स विल बी द आंसर। तो हमें बस इस पर सिक्स को टिक करना है, ठीक है। आपके सामने फ्रॉम क्यू टू वी लिखा रहेगा और आपके सामने ऑप्शन लिखा रहेगा, याद रखिएगा एग्जाम में ऐसे लिखा रहेगा क्यू टू वी, और उसके आगे आपके पास चार पांच छह ऑप्शन लिखे रहेंगे, यहां पर सिक्स लिखा रहेगा, यहां पर फाइव लिखा रहेगा, यहां पर थ्री लिखा रहेगा, यहां पर टू लिखा रहेगा, यहां पर वन लिखा रहेगा, जो आपका आंसर होगा उसी पे आपको टिक करना है, राइट। जैसे मान लो अगर मुझे फ्रॉम पी टू एल आना है, ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूं यहां पर, और याद रखिएगा हमारे पास तो हटाने की सुविधा है, आपके पास वहां ये सुविधा नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ आंखों आंखों में देखकर बेटा स्क्रीन पर ही देखकर इसको चेक करना है, और इसीलिए मैंने आपको कहा बहुत कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। जैसे मान लो पी से हमें एल तक आना है, तो वेर इज द पी, सबसे पहले बात पी को आप ढूंढिए, और वेर इज द एल, एल कहां है, एल यहां पर है। अब एक बात यहां पर हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज एक चीज को याद रखिएगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते समय अगर मुझे किसी पॉइंट के पास ही कोई हाउस मिल जाता है, कोई स्क्वायर मिल जाता है, कोई नंबर मिल जाता है, तो वही क्लियरली हमारा आंसर होता है। मतलब अगर हमें पी से एल तक जाना हो तो देखो इधर तो हम जा नहीं सकते हैं, इधर जाने का कोई फायदा है नहीं, अगर हम इधर ऊपर की तरफ चलते हैं, ये गए और यहां तक पहुंचे, तो इन यहां तक आते समय हमें ये L पॉइंट के पास ही जो घर यानी जो नंबर दिखाई दे रहा ना, वही डायरेक्टली मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी टू, ठीक है। और आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एन से कहां तक जाना है, एस तक जाना है। तो क्विकली पहली बात तो आपको एन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसके बाद कहां आना है, एच तक आना है, और आप फटाक से इसका आंसर दे रहे होगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, वन होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने बताया है कि एन से एच तक आते समय ये हमें पॉइंट के पास ही दिखाई दे रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज अ वन। क्विकली देना है एकदम से, मतलब यार ये 10 क्वेश्चन हैं और हमें 2 मिनट में इसका आंसर करना है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, बस ये याद रखिएगा, हमें सी से कहां तक जाना, टी तक। अब आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि अगर मुझे सी से टी तक आना हो, सी से टी तक आना हो तो क्या होगा भाई, सी कहां है, सी ये रहा, और टी कहां है, टी ये रहा, बताओ आंसर क्या होगा, बताओ। 3 क्वेश्चन एक जैसे ही मिल गए आपको, बताइए आंसर क्या होगा। अरे इतने में तो बच्चा उड़ा के फेंक देगा, क्या होगा आंसर, सर 5 विल बी द आंसर। क्यों सर 5 है, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आप आ रहे हो तो पांचवा हमें पॉइंट के पास मिल रहा है, इसलिए 5 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट में ई से आपको कहां तक जाना है, जे तक जाना है, तो बच्चे जरा जल्दी से देखकर बताओ ई से जे, ई कहां है, फटाफट ढूंढो ई कहां है। तो सर आप कहोगे ई यहां पर है, जे कहां है, जे यहां पर है। क्या किसी कॉर्नर पर आपको दिखाई दे रहा है, ई से जे कहीं कॉर्नर पर आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से देखकर बताइए, ई से जे कहीं कॉर्नर पर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इस ई से जे तक में, इस ई से जे तक में नियरेस्ट आपको कौन सा मिल सकता है, 9 विल बी योर आंसर। ई से जे तक में आपको क्या मिल सकता है, 9 विल बी योर आंसर, राइट। तो ई से जे तक का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। L से कहां तक आना है, Q तक आना है, ये रहा आपका L, और फटाक से ढूंढ लो Q कहां है, तो Q मिल जाएगा आपको ये। और आप खुद मुझे देखकर बताओ कि L से Q तक अगर आप आओगे, L से Q तक अगर आप आओगे तो L से Q तक में आपको नियरेस्ट होम कौन सा मिलेगा। नाउ ये सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, तो L से Q तक आप अगर आते हो तो यहां पर आपको आंसर क्या मिलेगा, दैट इज द 4 विल बी योर आंसर, 4 विल बी योर आंसर।
ये पूरी तरीके से एक क्या है, आपका रूट टेस्ट है, और इसको बड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर हमें देखना पड़ेगा। बस इसमें देखने की कला है, कितना आप स्पष्ट रूप से देख रहे हो और कितना सटीक आंसर दे रहे हो, बस यही है बच्चे। पूरे साइको टेस्ट में जो सबसे टफेस्ट पार्ट आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन में कोई भी लॉजिक लग सकता है। 35 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, और समय मिलेगा आपको कितना, 10 मिनट, और 10 मिनट में 35 में से 35 अगर आपको ले आना है तो फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर आपको करना पड़ेगा। रूट टेस्ट में तो मान के चलो 40 क्वेश्चन है ना, तो 35 तो एवरेज सभी आएंगे, दो चार एक एक सेट में दो दो तीन एक एक दो दो क्वेश्चन अगर गलत भी मान लेते हो तो 5 क्वेश्चन गलत मानो। वैसे बच्चे ऐसे हैं मार्केट में जो 38 out of 40 कर देंगे, मतलब 38 क्वेश्चन मान के चलो डेड श्योर है, वो ठोक देता है मोहर, कहता 38 तो मारिए देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कौन सा आया, अब आपको कहां से जाना है, डब्ल्यू से आर जाना है, तो पहले तो क्विकली डब्ल्यू ढूंढो, फिर क्विकली आप किसको ढूंढो, आर को। अब जरा डब्ल्यू से आर तक आने की सोचो, डब्ल्यू से आर तक आने की सोचो, डब्ल्यू से आर तक अगर आप आ रहे हो, डब्ल्यू से आर तक अगर आप आ रहे हो तो आपको क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा, आप खुद देखो। आप इस रूट पर अगर आ रहे हो, डब्ल्यू से आर तक आपको आना है, ठीक है, तो इस रूट पर आपको कौन सा हाउस मिल रहा है, 6 विल बी योर आंसर। सिंपल सा आंसर है, 6 विल बी योर आंसर। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इधर से नहीं चल सकते हैं, ऐसे नहीं चल सकते हैं, ऐसे भी चलोगे अगर अभी इसमें कई चीजें हैं बेटा, कि जहां पर आपको दो रास्ते एक जैसे मिलेंगे तो वहां पर हम टर्निंग यानी मोड़ के बारे में बात करते हैं, कि किसमें मिनिमम मोड़ है। अब जैसे यहां पर बात कर रहे हो, इधर से आ रहे हो, तो आप एक मोड़ ये लिए हो, दूसरा मोड़ ये लिए हो, तीसरा मोड़ ये लिए हो, और यहां पहुंचे हो। एक मोड़ ये है आपका, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और यहां पर चल रहे हो तो एक मोड़ ये लिए हो और दूसरा मोड़ ये लिए हो, तो जो आपका शॉर्टेस्ट रूट कहलाएगा ना, क्यू से आर तक का जो शॉर्टेस्ट रूट कहलाएगा, वो आपका पहला टर्न, दूसरा टर्न, दिस विल बी योर आंसर। मतलब रूट क्या हुआ, रूट जो हम ये वाला बना रहे थे ना, ये वाला रूट अब यहां पर थोड़ा गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टर्निंग क्या है, ज्यादा है। हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है कि आंसर निकालते समय नंबर ऑफ टर्निंग यानी मुड़ने की संख्या ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मुड़ने की संख्या कम वाला को ही हमें चूज करना है, ठीक है। बात इतनी समझ में आ रही है क्यों बच्चे, तो आंसर इसका क्या होगा, 6 होगा। अब x टू l पे जल्दी से आप कमेंट बताओ, ये रहा x, बेटा इसमें x l a b c d, ये जिसने जल्दी ढूंढा उसी का कल्याण हुआ। बताओ x टू l में, जल्दी से बताओ x टू l में क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में सब लोग कहो यस सर 2 विल बी आंसर, क्यों, क्योंकि नियरेस्ट ही मिल रहा है सर। e टू w जाना है, e कहां है बच्चे, जल्दी से ढूंढो e कहां है, ये है, w कहां है इसमें, फटाफट ढूंढो w, ये है। अब e से w तक आते समय आप बताइए, e से w तक अगर आप आओगे तो आपको क्या मिलेगा, एकदम क्लियर मेंशन हो रहा है सर। पहली बात तो ये e टू w अगर आप डायगनली भी देखोगे ना, डायगनली भी देखोगे तो आपको नजदीक इसमें कौन दिखाई दे रहा है, 10 ही दिखाई दे रहा है, तो 10 विल बी योर राइट आंसर, 10वां आपका एकदम सही होगा। i से कहां तक जाना है, o तक जाना है, i ये रहा और o ये रहा, आई ये रहा और ओ ये रहा, अब बताओ जल्दी से आई से ओ तक अगर जाओगे तो जल्दी से इस पर गर्दा उठाकर आंसर दे दो मेरे भाई, ये तो बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, 3 होगा। अब तुम एक बात जरा सोचना, ये जो तुमने पहला सेक्शन सॉल्व किया है, इस सेक्शन में जो एकदम पॉइंट पे हाउस मिल रहे हैं उस तरीके के कितने क्वेश्चन तुम्हें मिले, 4 क्वेश्चन मिले, 4 क्वेश्चन मिले। अब ये तुम्हारा बस क्या है, कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन को देखना, सिंपल सी बात है भैया। पहले एक ठो कहावत थी, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, तो इसके 4 लाइन पीछे के हटा दो, काक चेष्टा वको ध्यानम, बस वको ध्यानम वाला ध्यान रखो। अब वकु ध्यानम का मतलब आप अगर समझते हो तो साइको टेस्ट तुम्हारा पार, और अगर वकु ध्यानम का मतलब नहीं समझते हो तो फिर साइको टेस्ट में तुम्हें होगी दिक्कत। अब जैसे मान लो दूसरा सेक्शन में तुम्हारे लिए स्टार्ट करता हूं, सभी लोग एक बार तेजी से उन बच्चों को, अच्छा देखिए एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि साइकोलॉजी टेस्ट का बैच जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 6 जुलाई से ये बैच स्टार्ट है आपका, 3 महीने इसकी वैलिडिटी है, ठीक है, और फी है इसकी 599 की, राइट। तो एक बार आप इस बैच को भी देख सकते हो जो YouTube के फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के एप्लीकेशन पर, यानी ऐप पर चलेगा। यहां पर आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और जो ट्रिक्स होते हैं और जो पॉइंट होते हैं टू बी रिमेम्बर्ड वाले पॉइंट, मतलब ये पॉइंट हमको याद करके जाना है, उसको ध्यान में रख के आगे चलना।
तो एक टेस्ट आपका लिया जाए। हाँ भाई जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। सेक्शन नंबर टू, इस तरीके के चार सेक्शन आएंगे, मैंने पहले बताया था सेक्शन नंबर टू है, और फटाफट आप तेजी से सब लोग आंसर करना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, Q2X। देखो एक बात बताऊं, अगर बहुत मजा आएगा ना इस पर, सर आप एक काम करो, सर इस पर ना आप वो लगा दो, एक क्लॉक लगा दो, ताकि हमें पता चलता रहे। अब देखो सिंपल सी बात है, 7 पर घंटे वाली सुई है और 2 पर मिनट वाली सुई है, तो 3 पर जैसे खत्म, यानी 7 पर घंटे वाली सुई, 2 मिनट का समय है बच्चा। अब हम लोग यहां से स्टार्ट कर, रुको पहले इसको ना 12 पे चले जाना, लाल वाले को 12 अभी मत सॉल्व करो, अभी रुक जाओ प्लीज रुक जाओ, अभी मत सॉल्व करो, पहले इसको 12 पे जाने दो। सही एक्यूरेसी टाइम निकालना है यार, तो बेईमानी नहीं करना चाहिए, ठीक है? और घर पर भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करके जाना है, घर पर भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करके जाना, अगर ऐसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको। हम सिंपली बता दे रहे हैं, एकदम सिंपल स्पष्ट रूप से बोल रहा है, अरे जल्दी जाओ भाई, ये भी टाइम लगा रहा है। चलो 12 पे गया ना, अब देखो 2 मिनट का समय, फटाफट करते हैं। क्यू से कहां तक जाना, एक्स तक जाना, ये रहा क्यू और एक्स कहां है ये बताओ, आंसर क्या, 2। क्यू से एक्स तक जाना है तो क्या हुआ, आंसर 2। फिर कहां से जाना, सी से वाई तक जाना, यही प्रैक्टिस तुमको भी चाहिए बच्चा, सी से वाई तक आना है। सी से वाई तक में जल्दी बताओगे कौन सा आंसर होगा, सी से वाई तक में फटाफट आंसर क्या हुआ, 1। अभी देखो 40 सेकंड बीत गया भाई, एक्स से वाई तक आना है, एक्स ये रहा आपका, एक्स ये रहा और वाई कहां है बच्चा, एक्स से वाई, मारो आंसर क्या होना चाहिए, एक्स से वाई है, आंसर 2 होगा सर। Q से W तक आना है, Q कहां है बच्चा, जल्दी से ढूंढो, जल्दी से ढूंढो, आपका आप ही का टेस्ट है, Q ये है और W ये है, अब बताओ जल्दी, Q से W तक में जाओगे तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, 5 मिल भी आंसर 5 होगा सर। F से B तक जाना है बच्चा, F से B तक, देखो समय खत्म होने वाला है, F से B तक आना है, जल्दी बताओ F से B तक में कौन सा घर आपको मिलेगा, F से B तक में आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा भाई, F से B तक में 4 मिलेगा। देखो भाई अभी तुम्हारा 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ है और तुम 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन कर चुके हो, मतलब 5 क्वेश्चन और बाकी है सर, 2 मिनट में हो जाएगा सर। प्रूफ तो आप ये कर दिए कि हौसला बुलंद है, लेकिन अब क्या है ना, इसमें तुमको स्पीड वैसी ही रखनी पड़ेगी जैसे इतना हम बकवास कर रहे। अच्छा दूसरी बात ये भी याद रखना कि जिस जगह पर तुम जाओगे ना पेपर देने, वहां पर मेरे जैसे कई लोग तुमको दिखाई देंगे जो मुंह से चिल्लाते रहेंगे हमेशा, उनको तुम चाहे जितना चुप कराने की कोशिश कर लो मानेगा ही नहीं, वो चिल्लाता रहेगा क्योंकि वो भी ऐसे ही करेगा, ए से आर जाना है, ए से आर जाना, आर 5 पे आंसर मार दो, बोलेगा वो भी चिल्लाएगा। तो वहां पर आपको हर एक एटमॉस्फियर को हैंडल करके और ये 10 क्वेश्चन बच्चा 2 मिनट में लगा के आपको पार निकलना है, और ऐसा ही प्रैक्टिस अगर आप लगातार कर रहे हो तो समझ लो आप जंग जीत गए, और अगर ऐसा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आप जंग हारना तो हम कभी कहेंगे नहीं, कि L से हमें कहां तक आना है, F तक आना है, हारना तो हम कभी कहेंगे नहीं, लेकिन आप ही सोचिए कि हमें जीतना है तो जीतने के लिए हमें क्या चाहिए, L से F तक आओगे क्या मिलेगा। आप देखो ये तो प्रेम वाली भाषा है, ये तो प्रेम वाली भाषा है बच्चे, ये प्रेम वाली भाषा है, L से F तक का ये प्रेम वाली भाषा है। कुछ बच्चा कहेगा सर इधर से नहीं चल सकते हैं, चल सकते हैं, इधर से चलोगे तो हम ये वाला घर फिर काउंट नहीं करेंगे, याद रखना L से F तक अगर तुम ऐसे चलोगे, पहली बात तो बहुत टर्निंग है ये गलत हो जाएगा, और फिर भी अगर L से F तक तुम ऐसे चलने की सोच रहे हो तो ये तुम्हें मिलता है कॉर्नर पे, और कॉर्नर वाला घर कभी काउंट नहीं होता है, कॉर्नर वाले घर को हम कभी काउंट नहीं करते हैं, ये कॉर्नर वाले घर को हम काउंट करें। देखो कई लोग को आप देखोगे कि बड़े प्रेम से आपको ये समझा रहे हैं कि बेटा ये L से चलो, ये आए F तक पहुंचे और 6 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये काम हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको उसी स्टूडेंट का एक प्रतिबिंब बन के दिखा रहे हैं जो एग्जाम में जाकर यही कलाकारी करेगा, यही करबे करेगा, वो Y टू D जाना है, वो ढूंढेगा Y और ढूंढेगा क्या D, अब सीधे 3 पर टिक मारेगा, वो ढूंढेगा L से N तक जाना है तो L ये रहा आपका और N ये रहा, वो 8 पर टिक मारेगा, वो W से R तक जाना है तो W ये रहा और R कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, वो 5 पर टिक मारेगा, वो E से B तक जाना है, ये E रहा तुम्हारा, ये B रहा, तो अभी इसका आंसर तुम ही बताओ बच्चा क्या होगा, E से B तक आने में 3 तुम्हें आंसर मिलेगा। अगर ये प्रैक्टिस तुम करके जाओगे तो तुम्हारा चारों सेगमेंट बड़े प्रेम से 10-10 क्वेश्चन 40 हो जाएगा, 40/40 तुम पाओगे, हम कह रहे हैं 8 मिनट क्या 7 मिनट में घसीट के खत्म कर दोगे और परफेक्ट खत्म कर दोगे। बस नॉलेज, स्पीड, एक्यूरेसी,
टाइम मैनेजमेंट, तीन चीजों को बना के रखिएगा। और बाकी हम लोग मिलेंगे कहां, अपने इस बैच में जो कि 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, वैलिडिटी 3 महीने ही, 599 इसका कोर्स फी है। और अब घड़ी महा से आप बंद हो जाइए, 2 मिनट का समय लगा के हमें हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। और बैच में भी हम करवाएंगे ना, तो आपके सामने मिनट चलाकर ही करवाएंगे, उसको रिड्यूस करना है। अब आप कहोगे सर आप रिड्यूस कैसे करोगे, आप तो सॉल्व करोगे, हम तो आपको सिर्फ देखेंगे ना, हम तो आपको सिर्फ देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हमारी स्पीड कैसे बनेगी? तो स्पीड पहले सामने वाले की चीजों को, सामने वाले को देखो वो क्या कर रहा है, वो जल्दी जल्दी बोल रहा है, जल्दी जल्दी देख रहा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पर टिक मार रहा है, क्या क्या चीजें ट्रिक बता रहा है, क्या क्या हिंट्स बता रहा है, क्या हिंट्स पॉइंट बता रहा है, उन सारी चीजों को समझिए। और उसके बाद आप जाइए साइकोलॉजी के पेपर में, 3rd पेपर है आपका, जानदार जोश लगा के इसकी तैयारी करिए और उसके बाद फाइनल कट ऑफ बनेगा। हेड्स ऑफ करने के लिए हम आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज शेयर करिएगा। और हम सभी लोग कहाँ मिलेंगे, 6 जुलाई को अपने इस बैच में। थैंक यू सो मच। किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट करना होगा तो आप यहाँ पे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी किसी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको पूछना होगा। थैंक यू बच्चे, लव यू, गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करे आपका साइको टेस्ट का पेपर शानदार गुजरे और आप पताका फहरा के आओ। थैंक यू बच्चे।